अगर आप लोग किसी भी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या करने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं कि आगे जाके फ्यूचर में किसी भी तरह का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो, या किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ जो कि DGFT ने रिसेंटली एक स्मगलिंग के केस के चलते हुए इम्प्लीमेंट किया है। और इस अपडेट के चलते कहीं आपका ऐसी भी अपडेट ना हो जाए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रिवेंशन स्टेप, जिसके चलते आपका ऐसी हमेशा अच्छे नॉर्मल तरीके से काम करता रहेगा और आपको कभी भी किसी भी तरह के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में, ई कॉमर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में। रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने मुंद्रा पोर्ट पे अराउंड 3 टन हीरोइन सीज किया है, जिसकी वैल्यू अराउंड 21,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो कि एक इंपोर्टर द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा था जिनका नाम था आशी ट्रेडिंग कंपनी, और इसको सेमी प्रोसेस टैल्क स्टोन के नाम पे इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, बट DRI ने इसको सीज कर लिया है। सितंबर की शुरुआत में ये सारा प्रोसेस हुआ था और बताया ये भी जा रहा है कि सेम कंपनी ने 2021 के ही जून महीने में भी सेम आइटम यानी सेमी प्रोसेस टैल्क करके शिपमेंट ऑलरेडी क्लियर करा चुके थे। तो हो सकता है कि इससे पहले भी ये लोग बहुत सारा हेरोइन इंडिया में ऑलरेडी ला चुके हैं, और कहा जा रहा है कि ये जो रीराउटिंग हुई है, इसका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो अफगानिस्तान है, और रीराउट करके इसको किसी तरह इंडिया के मुंद्रा पोर्ट से इंपोर्ट किया जा रहा था इंडिया में। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड रेमिटेंसेज और किसी भी तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो माई बाप जो CBI लेवल की अथॉरिटी है वो इंडिया में, वो है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। तो यही सारे मोस्टली जितने रेड्स होते हैं इंडिया में, जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड स्मगलिंग केसेस होते हैं, वो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ही हैंडल करती है। इसके सब इसके अंडर बहुत सारे एजेंसीज और हैं, जैसे कि SIB, प्रिवेंटिव, वो मोस्टली कस्टम्स को सिर्फ डील करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो सारे के सारे यानी रेमिटेंसेस में भी कोई प्रॉब्लम होती है, स्मगलिंग होता है, किसी भी तरह का कुछ इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड कोई भी मामला होता है, तो उसको डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैंडल करती है। ठीक है, अब इसके चलते हुआ क्या है कि इसके चलते हुआ ये है, जो ये आशी ट्रेडिंग कंपनी है ये 1998 से एग्जिस्टेंस में है, बट जब ये केस हुआ इसके बाद, जब इसकी जांच पड़ताल की गई और निकालने की कोशिश की गई कि ये कौन से इसके डायरेक्टर कौन है, क्या एड्रेस है, कहाँ ये ऑपरेशन हो रहा था, तो ये सारा कुछ फेक था, सारा कुछ फेक था। ऐसा कुछ भी नहीं मिला इनका, ना फर्म रजिस्ट्रार का कोई एड्रेस मिला, ना कुछ मिला, कोई भी एकदम क्लूलेस हो गए DGFT वाले और DRI वाले। तो उसके चलते DGFT ने रिसेंटली कहा है कि 2005 के बाद जितने भी ICs हैं, अगर उनको अपडेट नहीं किया गया है रिसेंटली, तो वो उन सारे ICs को सस्पेंड करने वाली हैं जो 2005 के बाद अपडेशन में नहीं आई है। DGFT ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन पर निकाला था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें DGFT ने बताया था कि आप लोगों को हर साल अपने IC को अपडेट करना पड़ेगा, किसी भी तरह की अपडेशन हो, फ़ोन नंबर अपडेशन, एड्रेस अपडेशन है, किसी भी तरह की और अपडेशन हो, और ना भी हो तब भी जाके आप लोगों को कन्फर्म करना पड़ेगा DGFT में अपनी IC के थ्रू लॉगिन करके कि हमारा ये पर्टिकुलर IC है और इसमें कोई भी अपडेशन नहीं है, और अगर अपडेशन है तो ये पर्टिकुलर अपडेशन है, हम इसको अपडेट करते हैं। हर साल 3 महीने इसके लिए डेडिकेट किए गए थे, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर आपको जानना है कि कौन से वो 3 महीने और क्या प्रोसेस है इसको अपडेशन का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एग्जैक्ट नोटिफिकेशन और सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता रखी है। तो इसके बाद ये जो केसेस हुए हैं, इसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप फ्लॉलेसली अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहे, किसी भी तरह के इंटरनेशनल ट्रेड में आप लोग ऑपरेशंस में हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपने ICs को आप लोग हर साल ज़रूर अपडेट करिए, क्योंकि ये जो अपडेशन है ये अब बहुत अच्छे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने वाला है। और हो सकता है कि अगर आपने अपडेट ना किया हो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट मैं खुद यहाँ पे कस्टम हाउस एजेंट हूँ दिल्ली में, तो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि यार किस तरीके से अपडेट करना है, मैंने तो अभी अपडेट किया नहीं है, उतना स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी आपका कोई भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी IC अगर अपडेट नहीं भी है तो उसको सस्पेंड या होल्ड में नहीं रखा गया है। बट आगे जाके ये नेक्स्ट ईयर से बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने वाला है, और नेक्स्ट ईयर से आप सभी लोगों को अपने ICs को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप IC नहीं अपडेट करेंगे तो अपने IC को सस्पेंड कर दिया जाएगा या ऑन होल्ड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको फर्दर दोबारा जाके अपडेट करके प्रॉपर एक वहाँ पे अलग थोड़ा सा प्रोसेस और लंबा हो जाएगा, आपका IC दोबारा चालू हो जाएगा, बट आप बंद ही क्यों होने देंगे जब आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट और IC अपडेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते।